हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एडटेक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी की बात करेंगे। देखिए, ये हमारा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये नाइन्थ वाला पार्ट है। इससे पहले आपने अगर एट वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसको प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो जो बात किया वो बोहर्स मॉडल के बारे में हमने बात किया था। बोहर्स मॉडल भी अभी चल रहा है, उसका सिक्स पोस्टुलेट हो चुका है। सिक्स पोस्टुलेट आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी आखिर हो क्या सकता है? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हमारे पास ये हो सकती है कि वो अपने स्थायित्व को वो जीरो कर ले, मतलब वो डेट कम कर ले, मतलब उसके पास जो कर्ज है वो उतार दे कर्ज, ठीक है। उसकी ये टेंडेंसी होती है, मतलब उसके पास जो चार्जेस है वो खत्म हो जाए। मतलब हर एक इंसान की यही हमारे पास कोशिश होती है जिंदगी में कि उसके पास कोई भी कर्ज ना रहे। तो इलेक्ट्रॉन की यही टेंडेंसी होती है कि उसका जो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो हमारे पास टेंड्स टू जीरो हो जाए। जीरो होना इम्पॉसिबल है, पर टेंड्स टू जीरो हो जाए। तो टेंड्स टू जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास एन इक्वल टू हमारे पास जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो उछल के कहाँ पे चल जाए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट में हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, ठीक है। और अगर इसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो प्लस अगर 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो उछल के कहाँ पे चला जाएगा? बाहर की ओर चला जाएगा। जैसे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक चला गया, यानी कि हमारे पास जो एटम के ऊपर जो चार्जेज होगा, जो भी एटम होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्जेज आ जाएगा, मतलब एटम आयोनाइज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास होगा क्या? अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे कर देते हैं, तब हमारे पास क्या होता है? एनर्जी हमारे पास, टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर होता है, ठीक है। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इन्फिनिटी, यानी कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगा? -13.6 इंटू जेड, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर, और हमारे पास इंफिनिटी, यानी कि ऑर्बिट से ये बाहर चला गया, ठीक है। ऑर्बिट से बाहर चला गया, यानी कि इंफिनिटी का स्क्वायर यहां पे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, यानी कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गया? नीचे में हमारे पास इंफिनिटी है, यानी कि टोटल ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा? टेंड्स टू जीरो यहां पे लिख सकते हैं, टेंड्स टू यहां पे हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग एक्चुअली में हम इससे पहले भी वाले वीडियो में हमने बताया, लेकिन एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना कर दूंगा आप लोगों की, ये आखिर हो क्या रहा है कि ये हमारे पास किस तरह ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन उछल के जा रहे हैं और ये किस तरह से ये काम एक्चुअली में करता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट है, ये हमारे पास एटम का ऑर्बिट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक दूसरा ऑर्बिट है, एक तीसरा ऑर्बिट है, और एक और ऑर्बिट यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंडाकार बना होगा लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये हमारे पास फोर ऑर्बिट है, फोर सेल्स है, ठीक है। चार सेल्स है हमारे पास। टोटल एनर्जी फर्स्ट सेल में हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास कितना होता है बताइए, याद होगा आपको? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास कितना ये होता है -3.5 हो जाएगा, या 3.1 होता है एक्चुअली में, 3.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है, फिर -1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा, फिर -0.85
इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो जाएगा। तो ये आखिर हो क्या रहा है हमारे पास, किस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज जो है हमारे पास चेंजेस किस तरह से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल से लेकर के दूसरे सेल में हमारे पास जा रहा है, यानी कि हमारे पास -13.6 है और इसमें अगर माइनस करेंगे -13.6 है तो यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे -3.6 में, तो यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट 10 का डिफरेंसेस है हमारे पास, ठीक है, ये 10 का डिफरेंसेस है। और अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ पे चला गया तो इसकी एनर्जी हमारे पास इसका डिफरेंसेस जो है ये 10 में आएगा, और यहाँ से अगर यहाँ पे चला गया तो इसका एनर्जी इसका डिफरेंसेस कितना आएगा -13.6 और +1.5, यहाँ पे उतना डिफरेंसेस आएगा। और अगर हमारे पास एनर्जी और ज़्यादा देंगे तो हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, फोर्थ शेल में चला जाएगा, यानी कि -0.85, यानी कि ये एनर्जी है इसका क्या हो रहा है, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए -13.6 हमारे पास कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, वो कम है, उसके बाद -3.6 और थोड़ा ज़्यादा है उससे -13.6 है, उसके बाद -1.5 हमारे पास थोड़ा और ज़्यादा, और सबसे ज्यादा हमारे पास -0.85 इसका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद रहा है, ठीक है, कूद रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका इसी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है हम उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसको हम बोल सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ही, क्योंकि जो बोर्स मॉडल जो थे उन्होंने बेसिकली एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, क्योंकि जैसे ही जैसे कि एक ट्यूब ले लेते हैं, मैं आपको आगे और बताऊंगा इसमें, ठीक है, एक ट्यूब ले लेते हैं यहाँ पे, और इस ट्यूब में हम क्या करते हैं कि गैस भर देते हैं, कोई भी गैस यहाँ पे डाल देंगे, और कोई भी गैस डालने के बाद जैसे यहाँ पे हम इसमें एनर्जी डालते हैं, एनर्जी डालने के बाद क्या होता है कि एक लाइट को, लाइट यहाँ पे इनविजिबल लाइट है जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है, जो कि 7 कलर में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन 7 कलर में कुछ कुछ हमारे पास जो गैसेस हैं, कुछ कुछ गैसेस में हमारे पास आता है, कुछ कुछ गैसेस में नहीं आता है, तो उसका रीज़न उन्होंने नहीं बता पाया था, रदरफोर्ड ने नहीं बताया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया है, तो इसके बारे में हम अभी और अच्छे तरह से जानेंगे, पूरा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास बोहर मॉडल ने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया था। देखिए यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, देखिए स्पेक्ट्रम थ्योरी जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बोहर ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बोहर ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी थ्योरी दी है, उस थ्योरी से ही हमारे पास क्या हुआ कि आगे का एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो पाया है, ठीक है, क्योंकि जैसे रदरफोर्ड ने बताया था उसमें से कुछ कुछ चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बोहर ने उसके बारे में पूरी अच्छे से थ्योरी दी थी। देखिए बोहर ने हमारे पास क्या किया, सबसे पहले एक गैस को हीट किया, ठीक है, एक ट्यूब लिया, ट्यूब में उसने क्या किया, गैस को हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ से एक वाइट लाइट पास किया, तो जैसे ही वाइट लाइट पास किया तो ये क्या किया, यहाँ पे कुछ कलर में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, वैसे 7 कलर हमारे पास क्या होता है, विबग्रो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन विवग्योर में हमारे पास, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ कुछ जैसे हम जैसे कि किसी किसी गैसेस में क्या होता है कि सारे कलर आ जाते थे, लेकिन किसी किसी गैसेस में सारे कलर नहीं आते थे, इसका उन्होंने पर्टिकुलर रीज़न बताया, क्योंकि जो कि रदरफोर्ड भैया ने नहीं बता पाया, तो यहाँ पे वाइट लाइट पास हुआ है, यहाँ पे विवग्योर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कुछ जैसे कि वायलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, लेकिन हमारे पास येलो, ऑरेंज और रेड हमारा रह गया है। अब रह जाने के बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास बोहर मॉडल ने क्या बताया, बोहर मॉडल का एक्चुअली थ्योरी क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हमारे पास कुछ ही एनर्जी को गेन करता है, सारे एनर्जी को गेन नहीं करता है, क्योंकि वो देखिए जैसे ही हमारे पास ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये और फर्स्ट ऑर्बिट मान, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है हमारे पास -13.6 है, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इसको एनर्जी दिया गया, तो क्या ये सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये बीच में रह जाएगा, ज़्यादा देगा तो इससे बाहर हो जाएगा, कम देगा तो यहीं पे रहेगा। तो जैसे ही हमारे पास इसको उससे कम एनर्जी लगा कि हाँ भाई थोड़ा कम एनर्जी है, तो ये नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है हमारे पास, जो हमारे पास इसका ऑर्बिट है वो एज इट इज हमारे पास रहा, इसलिए इलेक्ट्रॉन है सारे
सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी, नॉट एट ऑल, सारी एनर्जी को वो गेन नहीं करता है, कुछ ही एनर्जी को वो गेन करता है, और गेन करने के बाद ही अगर ज़्यादा गेन करेगा तभी वो बाहर निकलेगा, नहीं गेन कर पाएगा तो भैया वो जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगा। मान लीजिए कि मेरा मेरे को अगर 5 रोटी खाना है तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगा, तो मैं 5 रोटी खा के ही काम कर पाऊँगा। अगर मेरे को कोई 1 रोटी देगा तो मैं बोलूँगा नहीं भैया मैं 1 रोटी से तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पर यही हो गया, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी दी गई तो जो जिसके कारण वो क्या बाहर नहीं जा पाया, वो दूसरा काम नहीं कर पाया। नहीं करने के बाद क्या हुआ, इमिशंस यहां पे फेल हो गया। नेक्स्ट में करते हैं, इट्स नॉट कलर। देखिए ये कलर एक्चुअली में होता ही नहीं, कलर हमें दिखता है पर वो कलर नहीं होता है। कलर दिखने और होने का बहुत बड़ा रीजन होता है। देखिए कलर हमें कोई भी चीज दिखता है इसलिए, जैसे कि रेड कलर क्यों दिखता है, क्योंकि रेड कलर का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर हमारे आंखों पर आता है तो वो हमें दिखता है, बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कलर नहीं होता, वो हमारे पास एक वेव होता है। दिस इज नॉट कलर, दिस इज वो लाइट स्पेक्ट्रम है या फिर वो एक तरह का वेव है, तो एक्चुअली में कलर नहीं है। तो उन्होंने ये बताया। नेक्स्ट में उन्होंने बताया कि दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिस्क्रीट और लाइट स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम हमारे पास डिस्क्रीट और लाइट स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि यहां पे हमारे पास प्योर फॉर्मेशन में कभी भी स्पेक्ट्रम नहीं बन पा रहा है। जहाँ पे प्योर फॉर्म में स्पेक्ट्रम बनेगा तो हमारे पास डिस्क्रीट नहीं होगा, सिंपल स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन में आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्योर फॉर्मेशन में बन नहीं रहा है इसलिए हमारे पास डिस्क्रीट लाइट स्पेक्ट्रम इसको हम बोल सकते हैं। अभी देखिए ये यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद उन्होंने और भी कुछ इसके बारे में बताया, तो आपको यहाँ पे नोट करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोर ने आखिर इस मॉडल के बारे में बेसिकली कहा क्या, उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। देखिए बोर ने बेसिकली क्या क्या, इससे पहले आप हमें एक बार फिर से ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका मॉडल है वो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक एटम को ले लिए, बेसिकली हम मान लें कि बड़ा सा एटम है, उसमें हर ऑर्बिट को यहाँ पे कंसिडर कर लिए। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास -1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और फोर्थ ऑर्बिट में -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास है। तो जब भी इस एटम को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जंप करता है, या तो यहाँ से यहाँ आ सकता है, या तो यहाँ से यहाँ आ सकता है, या तो यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये किसी एक ऑर्बिट में और यहाँ पे और यहाँ, या तो यहाँ पे, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, या तो वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, या तो थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये हमारे पास फोर ऑर्बिट है, इसी में हमारे पास चला जाएगा। डिपेंड करता है हमारे पास उसको हीट कितना मिल रहा है, डिपेंड करता है हमारे पास वो एनर्जी कितना गेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को उसके सफिशियंटली एनर्जी मिलेगा तो वो उसी जगह पे चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी नहीं मिलेगा तो एज इट इज अपनी जगह पे ही रहेगा या फिर वो बाहर जा सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो बोर्स मॉडल ने क्या किया, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो हमेशा क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल को मेंटेन करना चाहता है। कोई भी दुनिया में क्या होता है कि अपनी चीज़ों को मतलब हाई फाई में नहीं रखना चाहता है, कि वो एक स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी एक हमारे पास लोएस्ट एनर्जी में जब रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा। तो ये रिटर्न जो भी हमारे पास एनर्जी उसके पास बच जाता है वो क्या करता है, रिटर्न बैक कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें हमारे पास एक 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दिए तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास वो सेकेंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा, लेकिन जो 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट उसने किया है वो क्या करेगा, उसको इमिट कर देगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास सेकंड ऑर्बिट में अगर उसको 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास है, अगर उसको 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नहीं मिला तो वो कहीं बाहर नहीं जाएगा या फिर उसे कम में आएगा। अगर मान लीजिए इसको 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दिए तो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में नहीं आ पाएगा। तो जो एनर्जी उसके पास बचेगा वो क्या करेगा, इमिट कर देगा। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास अगर -1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, अगर उसको 0.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दिए तो कभी भी वो हमारे पास 0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट वाले ऑर्बिट में नहीं जा पाएगा। वो जब एनर्जी गेन करेगा तो उसको इमिट कर देगा। इसलिए यहां पे कहा गया, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो रहा है, लोएस्ट एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए ट्राई करता है। और एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक एनर्जी इज इमिटेड एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन इन फ्रंट ऑफ इमिटेड। तो ये एनर्जी हमारे पास जो क्या कहलाता है, इमिटेड एनर्जी हमारे पास कहलाएगा।
या फिर एंड दिस एनर्जी इज इमिटेड इन फ्रंट ऑफ द रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, ये रेडिएशन के फॉर्म में मतलब इसको इमिट करता है, या फिर वेवलेंथ के फॉर्म में बोल सकते हैं इसको इमिट करता है, या फिर हमारे पास लाइट के फॉर्मेशन में इमिट करता है। मतलब हमारे पास जो लाइट आ रही है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन जो लाइट, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को इमिट कर रहा है, जो इसके पास एनर्जी बच गया वो हमारे पास इमिट कर रहा है, तो वही हमारे पास या तो रेडिएशन के फॉर्म में आएगा, या तो वेवलेंथ के फॉर्म में आएगा, या तो लाइट के फॉर्म में आएगा, ओवरऑल बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेशन में ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ बोहर ने इस तरह का एक अपना इलेक्ट्रॉनिक मॉडल हमारे पास उसने ये दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आ गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम यहाँ से हमारे पास सारी एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास बोहर ने क्या कहा कि सम पर्टिकुलर वेव इज इमिटेड कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, कुछ पर्टिकुलर वेव ही यहाँ पे इमिट करता है। कुछ पर्टिकुलर वेव का मतलब जैसे विबग्रो के बारे में हमारे पास बताया, तो या तो ब्लू करेगा या तो विबग्योर, ठीक है, या तो वायलेट करेगा, इंडिगो करेगा, ब्लू करेगा, येलो करेगा, ग्रीन करेगा, ऑरेंज करेगा, रेड करेगा। मान लीजिए इसमें से कुछ ही एनर्जी को, कुछ ही वेव को उसने इमिट किया, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। मतलब बहुत ही कम एनर्जी है, इसलिए जब भी ट्यूब को, जब भी हम गैस ट्यूब को हम गर्म करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कुछ कलर हमें दिखाई देता है और कुछ कलर हमें दिखाई नहीं देता। जब हमें कुछ कलर दिखाई देता है यानी कि हमारे पास उसने कुछ ही एनर्जी को, कुछ ही इलेक्ट्रॉन को इमिट किया है, कुछ अगर हमें वो कलर नहीं दिखाई देता है मतलब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं किया है। तो इसी प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम हमारा कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल से, उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे हम बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो हमारे पास उसका एनर्जी लेवल हमारा क्या बनता है, ठीक है। तो उसका एनर्जी लेवल का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल का फॉर्मूला बताइए, टोटल एनर्जी हमारे पास जो हमने लिखाया था, बनाया था पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उसके फॉर्मेशन में हमारे पास आया था, ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नंबर ऑफ द ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स में हमारे पास जो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वो इमिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, एन इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एटम जो हो रहा है जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम जंप्स फ्रॉम, कहां से कहां तक जंप कर रहा है, ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर के सेकेंड ऑर्बिट में, तो वो हमारे पास क्या बोल रहा है कि उसका वेवलेंथ इमिट करेगा, जंप्स फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू टू। सो फाइंड द, क्या फाइंड करना हमारे पास, वेवलेंथ का फाइंड करना, या फिर जो जो हमारे पास रेडिएशन इमिट हुआ है उसको हमें फाइंड करना, फाइंड द वेवलेंथ और इमिटेड रेडिएशन, ठीक है। तो हम यहां पे हमारे पास क्या करेंगे, फर्स्ट यहां पे हमारे पास n इक्वल टू वन से n इक्वल टू टू, मतलब हमारे पास जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया, तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पहले हमारे पास कितना था, उसका उसका कितना हमारे पास एनर्जी लेवल था, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आंसर यहां पे देखेंगे, टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू भी पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है, क्योंकि एन इक्वल टू वन दिया हुआ ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास जेड की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम यहाँ पे जेड की ऑर्बिट पुट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल आएगी, डेल्टा एनर्जी हमारे पास जो खर्च हुआ है, ई टू माइनस ई वन आएगा, ठीक है, ई टू माइनस ई वन मतलब हमारे पास टू एनर्जी, टू से हमारे पास एनर्जी वन में हमारे पास जो माइनस हो वही होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा ई जो होगा हमारे पास ई टू माइनस ई वन, यानी कि डेल्टा ई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू माइनस ई वन, या फिर हमारे पास हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा एन टू का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -13.6 इंटू
जेड स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एन वन का स्क्वायर, ठीक है। या फिर हमारे पास डेल्टा ई यहाँ पे हो गया, डेल्टा ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, दोनों में अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या बच गया, वन अपॉन में एन टू का स्क्वायर और वन अपॉन में एन वन का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों में माइनस 13.6 जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में हमारे पास है तो कॉमन लेने के वन अपन में एन टू का स्क्वायर अपन में वन अपन में एन वन का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा ई जो हमारे पास हो जाएगा ये 13.6। अब हमारे पास ये कंसिडर कर ले रहे हैं कि हाइड्रोजन का आइटम है, अगर हाइड्रोजन का आइटम है यानी कि हमारे पास जेड इक्वल टू वन यानी कि एटोमिक नंबर वन, और हमारे पास एन वन यानी कि वन और एन टू यानी कि टू, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 13.6 वन का स्क्वायर इंटू और वन अपॉन में टू का स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन में वन का स्क्वायर, या फिर डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू वन का स्क्वायर हमारे पास वन ही आएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन में फोर माइनस वन अपॉन में वन, यानी कि हमारे पास डेल्टा ई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 13.6 और ये हो जाएगा फोर, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा फोर, और यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू माइनस 3/4, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा, इसे डिवाइड किए तो माइनस 3.4 माइनस 3.4 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू 10.2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 10.2 इसका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हमारे पास देखेंगे, हमारे पास अब ये एनर्जी जो है हमारा किस फॉर्मेशन में होता है उसकी हम बात करेंगे, ये आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एनर्जी जो है एक्चुअली में हम इसको एकदम शॉर्टकट फार्मूला में हम किस तरह से लिखेंगे, एक शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूँ, ठीक है, शॉर्ट मेथड हमारे पास किस तरह से होगा वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आप न्यूमेरिकल से हमारे पास आराम से इसको बना सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, और इसका जो फार्मूला है हम और भी आसानी तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है उस कॉन्स्टेंट टर्म को एक जगह रखेंगे, बाकी चीज़ों को जो हमारे पास वेरिएबल है वेरिएबल को अलग कर देंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे। देखिए हमारे पास मेन हमारे पास जो एनर्जी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो एस अपॉन में लैम्डा होता है, ठीक है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट हो गया, सी हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हो गया, ठीक है, वेवलेंथ हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं वो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है और उसके बाद हम उसको किस फॉर्मेशन में यहाँ पे रख सकते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी अपॉन में लैम्डा, तो एच इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, सी इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास कांस्टेंट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और लैम्डा हमारे पास हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है, ये लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वेवलेंथ हो जाएगा। तो देखिए एच सी इक्वल टू हमारे पास बाकी चीजों को हमारे पास जो वेवलेंथ हमारे पास जो आया है डेल्टा ई जो हमारे पास आया है 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसके बारे में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस वैल्यू को हम ले लेते हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा एच सी, यानी कि एच की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 6.636 इंटू 10⁻⁶ हमारे पास 6.636 होता है हमारे पास, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ होता है, तो एच ई एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ई की वैल्यू हमारे पास क्या होगा एच सी अपॉन में लैम्डा या 6.636 इंटू 10⁻⁶ हो गया, सी की वैल्यू हमारे पास होगा 3×10⁸ हो जाएगा, और ये हमारे पास लैम्डा हमारे पास जो आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, लैम्डा ई की वैल्यू तो हमारे पास आ गया, डेल्टा ई की वैल्यू कितना आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है, इसको इस वैल्यू को यहाँ पे करेंगे, या फिर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 6.636 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3×10⁸ अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 10.2 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, किसका,
हमारे पास एनर्जी जो हमारे पास आया N1 से हमारे पास N2 में गया, मतलब हमारे पास ऑर्बिट 1 से लेकर ऑर्बिट 2 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ओवरऑल हम अगर हम देखेंगे तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगा, एनर्जी हमारे पास, क्योंकि देखिए ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ इसको। तो अगर हम इसकी हम बात करें तो एनर्जी इक्वल टू हो जाता है, इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम सिर्फ पुट करेंगे इक्वल टू, या फिर हम लैम्डा इक्वल टू हम बोल सकते हैं 12375 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू 12375 अपॉन में लैम्डा। अब डायरेक्टली आप इससे भी निकाल सकते हैं, इसको डेरिवेशन करके आप डायरेक्टली वैल्यूजेस यही आएगी। सिंपल हमारे पास एनर्जी निकालना है तो वेवलेंथ में ही चाहिए, वेवलेंथ निकालना है तो एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास सिंपल 12375 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं डिवाइड कर देंगे इसको कोई किसी को भी, तो हमारे पास एनर्जी या फिर इसका वेवलेंथ हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है और हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये दोनों को हम आराम से निकाल सकते हैं और इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए E2 माइनस E1 हमारे पास आ गया है, एनर्जी लेवल का जो हमारे पास जो चीजें थी वो आ गया है, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, एनर्जी लेवल की जो चीजें थी वो आ गया। अब डेल्टा एनर्जी हमारे पास पहले ही बताया था E2 माइनस E1 हमारे पास होता है और इस वैल्यू को ही हम यहाँ पे पुट करेंगे और उस वैल्यू को पुट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे हम किस तरह से इसको ले सकते हैं, ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और यहाँ पे बाकी चीज़ों को यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़ें आपके पास सामने रहेगी तो आपको पता चलते रहेगा कि किस तरह से एनर्जी इमिट हो रहा है, ठीक है, आपके अंदर भी अभी पढ़ने के टाइम में भी एनर्जी इमिट हो रहा होगा और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं उसमें हमारे पास इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे वेवलेंथ और एनर्जी का, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ और एनर्जी, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ और हमारे पास एनर्जी में हम देखेंगे, देखिए डेल्टा ई हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, डेल्टा ई की हम वैल्यू रख सकते हैं SC अपॉन में लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा E2 की वैल्यू हमारे पास 13.6 जो वैल्यू हम यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे -13.6 हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है, और या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13.6Z² और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर -1 अपॉन में N2 का स्क्वायर। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो N2 पहले लिखा था और N1 बाद में लिखा था, ठीक है, देखिए कॉमन कौन कौन सा है यहाँ पे वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो SC को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13.6Z² अपॉन में SC यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर -1 अपॉन में N2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, जेड हमारे ये 13.6 ये कांस्टेंट है, एच हमारे पास कांस्टेंट है, सी हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास वेरिएबल है और हमारे पास ऑर्बिट हमारे पास वेरिएबल है कि कौन सा ऑर्बिट में ये हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप पहले लिखिए, ठीक है, इस चीज़ को लिखिए पहले, यानी कि 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स है उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं इस कांस्टेंट टर्म को, या फिर हम एक जगह यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब आपका वेवलेंथ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है लिखने में तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब उस वैल्यूजेस को यहाँ पे पुट करके बाकी चीज़ों को यहाँ पे हम निकालेंगे, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बढ़िया रहे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 अपॉन में लैम्डा की जो वैल्यूजेज आएगी 13.6Z² अपॉन में HC, ठीक है, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म्स हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये पूरा 13.6 कांस्टेंट टर्म हो गया और यहाँ पे आ गया Z² और 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर और -1 अपॉन में N2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो हमारे पास है एक रिडबर्ग भैया थे, रिडबर्ग भैया ने हमारे पास इसको इस टर्म्स को निकाला है,
ठीक है। इस टर्म्स को निकालने के बाद उन्होंने हमारे पास बताया कि ये चीज़ें आप कांस्टेंट टर्म से इसको हटा दीजिए, कांस्टेंट टर्म बाकी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास रहने दीजिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं वन अपॉन में, ये हमारे पास पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वन अपॉन में लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, वन अपॉन में एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन टू का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। आर जो है आर इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट में हमारे पास आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वेयर R इक्वल टू 13.6 अपॉन में एच सी। एच हमारे पास क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या हो गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट 13.6 एज इट इज हमारे पास रहेगा, ठीक है। वन अपॉन में लैम्डा की वैल्यू हमारे पास, आप ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला में आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी आपको डेरिवेशन आना चाहिए, डेरिवेशन आने से आपको सबसे पहले तो उसकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी, नेक्स्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डेरिवेशन आपको पता है, ठीक है। डेरिवेशन पता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म को भी हमारे पास चेंज कर सकता है, तो हम वहाँ पे हमें पता होगा कि भैया इसका ये फॉर्मूला यहाँ से आया, फटाफट हम इसको निकाल सकते हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट में हम यहाँ पे हम बात करेंगे इससे आगे, बोर्स मॉडल का तो हमारा खत्म हो गया, सिक्स पॉस्टुलेट था हमारा बोर्स मॉडल, वो खत्म हो गया। आगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो हमें अप्लाई करनी है, फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करनी। और अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से देख सके, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल वाला बटन है उसको हिट कर दीजिए प्लीज कैसे भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।